हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और निफ्टी लगभग 6 से 7वें दिन ऊपर की तरफ है। 11,941 में क्लोजिंग आई है, लगभग 50 पॉइंट ऊपर की तरफ है। और बीएससी सेंसेक्स है 40,341 पे बंद हुआ है, लगभग 136 पॉइंट ऊपर की तरफ है। और बैंक निफ्टी देखिए 30,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, लगभग 30,333। और फ्लैट बंद हुआ है, 2 पॉइंट ऊपर की तरफ बंद हुआ है। इसमें से जो आज सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा, इन्फोसिस में जो एलिगेशन लगाया था विसल ब्लोअर के द्वारा, और मार विसल ब्लोअर के जो शिकायतें कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ, उसमें जो अज्ञात कर्मचारियों ने लेटर लिख के इन्फोसिस के ऊपर एलिगेशन लगाया था, काफ़ी ऊपर के लेवल पे था इन्फोसिस। लगभग मान के चलिए 750 और 760 के आसपास था, 767 के आसपास था। तो वहाँ से गिरावट आई है, लगभग 615 के आसपास तक आया। दिग्गज शेयर ये रहा है आईटी सेक्टर का। और इसमें सिर्फ ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि जो एलिगेशन लगाए गए थे विसल ब्लोअर के द्वारा, और एक कंपनी और है उस पर भी एलिगेशन लगाया गया है, तो उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस को डिटेल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली जांच में इन्फोसिस ने बोला कि पहली जांच में कोई भी नहीं मिला कोई सबूत, तो ये इसके वजह से इन्फोसिस का स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ गया, लगभग 730 के आसपास हाई बनाया है और 709 में क्लोजिंग आई है। अब देखिए, इसमें काफ़ी जिस तरह से लगभग 640 से 650 के आसपास ये काफ़ी टाइम थोड़ा सा रहा, वहाँ से फिर थोड़ा सी तेजी आई इसमें, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी ने भी कहा था कि इस तरह से एलिगेशन लगा के कंपनी में काफ़ी फर्क भी आ रहा है और मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। बट अब जैसे कि इन्फोसिस इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी है, इस तरह के आरोप अगर लगा दिए जाएंगे तो स्टॉक में फिर उसमें घबराहट आ जाती है रिटेलर्स में भी, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल थोड़ा सा संभल गया है इन्फोसिस, देखिए अब 709 के आसपास आया है। और यहाँ पे देखिए अब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आगे बात करने की कोशिश करेंगे, इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और इसमें विसल ब्लोअर की जो अब शिकायतें रही हैं वो संगीत रही हैं, और ये एलिगेशन लगाने का एक तरह से हम मान के चलिए कि मार्केट में ये भी खबर है कि जैसे जब रिपोर्ट दे दी जाती है मार्केट में, तो उससे पहले शेयर्स को बेच दिया जाता है तो प्रॉफिट कमाया जाता है। तो सेबी को भी देखना चाहिए। देखिए, अब इस तरह का काम अगर कंपनियों बड़ी बड़ी कंपनियों के एलिगेशन लगाना स्टार्ट करेंगे तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत नुकसान रहता है। जिस तरह से ये फिर जब ये गिरावट आई थी बहुत नीचे की तरफ आ गया था, दिग्गज शेयर रहा है इन्फोसिस, और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को इन्फोसिस ने। फिलहाल ये अब 709 की तरफ है, तो इसको सबसे पहले पे जो रहा है विसल ब्लोअर, तो उस वही न्यूज जो है इंडिया बुल के ऊपर भी चल रही है। हो सकता है इसी तरह से जो जांच चल रही है तो उसमें भी आने वाले दिनों में इंडिया बुल्स के जो न्यूज है उसमें भी फिर शिकायत को वापस ले लिया जाएगा या फिर कोर्ट से रद्द कर दिया जाए, तो इंडिया बुल का शेयर भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अब ये पहली जांच में सबूत नहीं मिला है इन्फोसिस में, तो हो सकता है कि इन्फोसिस थोड़ा सा जब करेक्शन हो या फिर आईटी सेक्टर के शेयरों में करेक्शन हो तो फिर उसके अनुसार नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। फिलहाल मार्केट में कोई अगर कल के दिन कोई मीडिया में कोई और खबर आती है तब गिरावट आ सकती है इन्फोसिस में। और फिलहाल इसका ट्रेड देखते हैं, फिर टेक्निकली थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये अब इसका सपोर्ट जो है कहाँ पे आएगा, और इसका रेजिस्टेंस अब जैसे कि 732 तक तो चला ही गया है, अब 767 तक ये जहाँ पे था वहाँ से गिरावट आई थी। तो अब देखिए इसका सबसे पहले ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं। ये NSE की वेबसाइट है, लगभग 709 में क्लोजिंग आई है और लगभग 732.50 रुपया हाई किया है, लगभग 681.80 रुपया और प्रीवियस क्लोज था 687.90 रुपया। तो वहाँ उसी के आसपास कुछ टाइम रहा और ये आज जो है ऊपर की तरफ जंप किया, लगभग क्लोजिंग में जो इसकी ऊपर की तरफ लगभग 3-3.5% ऊपर की तरफ बंद हुआ है। तो अब ये दिग्गज स्टॉक दिखे, लगभग जो इसका हाई है 847 के आसपास था, वहाँ से फिर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें गिरावट रही थी, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की न्यूज़ पहले से जैसे
सितंबर के महीने में ही लिखा गया था, तो वो एलिगेशन जो सीईओ और सीएफओ के ऊपर लगाए गए थे। तो अब पहली जांच में सबूत नहीं मिला है तो स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अब ये ऊपर का हडल जो रहेगा इसका 732 और 733 का ही रहेगा। अगर उसको उस रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो ये स्टॉक फिर अपने जो जहां से गिरा था उसको फिल करने की कोशिश करेगा। अब नीचे की तरफ देखिए, इसका जो लो है आज लगभग 681 के आसपास का जो लो है, अगर गिरावट आती है तो 681 का जो सपोर्ट है उसको देखने की कोशिश करिए। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन रहे, जिस तरह से निफ्टी को लगभग 6 से 7 दिन हो गए ऊपर की तरफ है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी मान के चलिए कि आने वाले दिनों में हो सकती है। तो इन्फोसिस ने एक महीने में अच्छा, अगर जिन्होंने नीचे की तरफ कुछ परसेंटेज के हिसाब से भी बाइक किया होगा तो अच्छा रिटर्न दिया है इसमें। अब आने वाले दिनों में थोड़ा सा ऊपर से हडल में जैसे 730 और 750 के आसपास इसका हडल रह सकता है और प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि अच्छा खासा बढ़ गया ऊपर की तरफ, बढ़ गया आज ही लगभग मान के चलिए कि 5% ऊपर की तरफ था, 3.5% के बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब इसमें जिन्होंने लगभग देखिए, बहुत सारे लोगों ने इसमें 730 750 के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था और काफ़ी रिटेलर्स ने, तो वहाँ से गिरावट रही। अब देखिए यही होता है, अगर आपने अच्छे स्टॉक में अगर लिया है तो टाइम लगा सकता है, हो सकता है कि इन्फोसिस जो है 1 से 2 महीना ले सकता है, बट ये बहुत जल्दी इसने कवर कर लिया। और जिस तरह से न्यूज़ में आया कि विसल ब्लोअर ने शिकायत की है तो गिरावट आई, तो अब पहले जांच में इसको कोई सबूत नहीं मिला है तो उसके हिसाब से ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये एक अच्छा न्यूज है इन्फोसिस के लिए। और जो दूसरा स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग, तो उसके लिए भी अच्छा न्यूज है कि अगर विसल ब्लोअर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं या ब्लैकमेलिंग तरह कर रहे हैं तो जो भी कंपनी में एलिगेशन लगाएंगे तो आने वाले दिनों में फिर उसको थोड़ा सा भाव नहीं दिया जाएगा या फिर उस तरह से उसको लिया नहीं जाएगा। अब आने वाले दिनों में अगर कोई मीडिया में कोई और इन्फोसिस में न्यूज आएगी तभी गिरावट आ सकती है, और प्लस प्रॉफिट बुकिंग। तो ये दो चार लेवल आप लोगों को बताने की कोशिश था कि जैसे नीचे की तरफ 680 के आसपास अगर ये ब्रेक करेगा टेक्निकली, तो आपको फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है लगभग 670 से 650 तक, और ऊपर की तरफ जैसे इस ऊपर की तरफ 733 को ये ब्रेक करेगा तो आपको 750 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करिए, और फिर अगर नीचे की तरफ मिलता है तो फिर आप बाय करने की कोशिश करिए। इस तरह से आप कामकाज कर सकते हैं। और इस महीने में नवंबर अक्टूबर के महीने में अच्छी खासी तेजी रही है। आज 4 नवंबर 2019 का दिन है और इसमें भी हो सकता है कि 2-3 दिन इसी के आसपास निफ्टी आपको दिखे। और जैसे ही आप अगर 11,870 और 800 को अगर ब्रेक करेगा तभी आपको फिर 100-200 पॉइंट नीचे की तरफ दिख सकता है। फिलहाल अभी जितना भी है कि 12,000 को छूने वाली बात है, तो एक तरह से 11,940 के आसपास, एक तरह से आप मान के चलिए कि 12,000 के आसपास ही निफ्टी चल रहा है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा पिछले सितंबर और अक्टूबर के महीने में 15-25% स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है, और जिनमें रिटर्न नहीं मिला है तो वो आने वाले दिनों में आपको और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए मार्केट में, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है तो फिर ग्लोबली न्यूज़ या लोकल पॉलिटिकल न्यूज़, जियो पॉलिटिकल और मार्केट में कोई अगर न्यूज़ आ जाती है तो फिर उस हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज़ आ जाती है टैक्स के बारे में, तो उसके हिसाब से फिर आपको गिरावट दिख सकती है मार्केट में। और 7वें दिन लगभग अगर निफ्टी बढ़ा है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट बुकिंग मिले, तो उसके हिसाब से देखिए प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और थोड़ा सा इंतज़ार करिए जो इन्वेस्टमेंट टाइप का अगर शॉर्ट टर्म में भी काम करना है, और बाकी देखिए जो डे ट्रेडिंग होता है तो उसके हिसाब से तो डेली ट्रेड होता है, तो मार्केट गिरे या बढ़े उसमें तो कोई रोक टोक रहती नहीं है, तो वो सेगमेंट कुछ अलग रहता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं या थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जैसे 2-3 महीना 4 महीने के लिए करते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। फिर आने वाले दिनों में अगर जांच पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इन्फोसिस का शेयर फिर और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये इन्फोसिस का आज आप लोगों के लिए न्यूज था, और जो विसल ब्लोअर ने शिकायत लगाई थी इन्फोसिस के खिलाफ वो पहली जांच का में कोई सबूत नहीं मिला है, ये आज न्यूज थी, उसी की वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है।
तो फ्रेंड्स ये इंफोसिस का अपडेट था, कुछ मार्केट के बारे में बताने की कोशिश थी। आप इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। करना कुछ नहीं है, अगर आपको ये यूट्यूब चैनल देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।